डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मेरठ के मुस्लिम बाहुल्य हाशिमपुरा में बिना परमिशन देवी जागरण कराने की जिद को लेकर उत्पन्न टकराव संबंधी विवाद का आज पटाक्षेप हो गया है। शासन द्वारा यह स्पष्ट कर देने के बाद कि किसी भी ऐसे नए धार्मिक आयोजन की परमिशन नहीं दी जाएगी जो दूसरे की भावनाओं के विपरीत है। अगर कोई आयोजन करना भी है तो उसके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया है, उसकी परमिशन लेनी होगी। शासन के कड़े रुख के बाद वे लोग बैकफुट पर आ गए जिन्होंने दावा किया था कि अब हाशिमपुरा में बिना इजाजत देवी जागरण वे करके रहेंगे, दम हो तो रोक लेना। वहीं भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा से जब फर्स्ट बाइट ने बात की तो उन्होंने कहा कि हाशिमपुरा में देवी जागरण परंपरागत नहीं है, जबकि उन्हें ऐसा बताया गया था। वह वहां इस विवाद को निपटाने के लिए गए थे, लेकिन सिविल लाइन इंस्पेक्टर की भाषा के कारण उन्हें यह ऐलान करना पड़ा था अब ईद के बाद परमिशन लेकर ही जागरण होगा। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। मेरठ में पिछले कुछ समय से सांप्रदायिक टकराव जैसे हालात पैदा हो गए थे, ऐसा मुस्लिम बाहुल्य हाशिमपुरा में देवी जागरण कराने की जिद को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर तमाम भाजपाइयों ने यह अभियान चला दिया, 2 मई को जागरण तो होगा ही, दम है तो रोक लेना। इसके अलावा भाजपा नेता दीपक शर्मा की इंस्पेक्टर सिविल लाइन रमेश चंद शर्मा से तीखी नोकझोंक हुई, जिसका एक ऑडियो वायरल हो गया। इसमें दीपक को जहां यह कहते हुए सुना गया कि आपसे जितना रोका जाए रोक लेना, जागरण होकर रहेगा, हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर। वहीं इंस्पेक्टर ने कहा कि देश संविधान से चलता है, बिना परमिशन हाईवे पर आयोजन नहीं होने दूंगा। आपके कहने पे जागरण नहीं होगा। सुनो सुनो मेरी बात सुनो, इंस्पेक्टर साहब सुनो, मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस की हो तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण रोक लूंगा। तुम्हारे बस की हो, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, और तुम जागरण रोक लेना। 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे, तुम जागरण रोक लेना। कोतवाल साहब जाओ लेना, तुम आप रोक लेना, आप रोक लेना। अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा, आपसे रोका जाए रोक लेना। कोतवाल साहब मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना, देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है, अगर 4 हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना, जाओ हम भी अपनी औकात देखेंगे इस शहर के अंदर की, अगर ये जागरण रुक जा तो। कमोवेश यही डायलॉग भाजपा प्रत्याशी रहे कमल दत्त शर्मा व इंस्पेक्टर के बीच भी बोले गए। हमें आपसे कोई अनुमति नहीं मिली, हाँ तो मान लीजिए, और यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, तो आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना नहीं, आपको बुलाया तो मान सम्मान के लिए, आप हमारे ही कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं। पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, बुलाने तो मेरे, आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा मैं होने नहीं दूंगा बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा, बात करिए, मैं कैसे रोक रोकूंगा अगर आपके पहले मेरी बात आज ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने NDTV को दिए साक्षात्कार में यह कहा। अभी एक व्यक्ति मेरठ शहर में कोई जागरण कराना चाह रहे थे और स्थानीय पुलिस पर दबाव बना रहे थे, उनको स्पष्ट बता दिया गया है कि ये परंपरागत नहीं है, अगर उनको ये चीज़ें करनी है अनुमति लें और रमज़ान के बाद उनको परमिशन दी जाएगी और उनको ये बात माननी पड़ी। अभी ADG के इंटरव्यू के बाद शासन के मंशा स्पष्ट हो गई और मामले का पटाक्षेप भी हो गया। पटाक्षेप की जानकारी देते हुए SP CT विनीत भट्टनागर ने यह कहा।
देखिए मैं आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। अभी कुछ दिन से सोशल मीडिया पर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर कुछ ऑडियो और वीडियो वायरल हुई, जिसमें ऐसा प्रतीत हुआ जिसको देख करके कि स्थानीय पुलिस के बीच में और कुछ जागरण करने वाले जो जो व्यक्ति थे और साथ में उनके साथी जो कुछ जिम्मेदार पदों पर आसीन हैं और पुलिस के मध्य किसी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उसके बारे में जो है तुरंत ही संज्ञान लिया गया, इसमें सभी पक्षकारों से वार्ता करी गई। ये सारी जो वार्ता हुई इसमें मेरे साथ में एडीएम साहब भी मौजूद हैं, एडीएम साहब और तमाम और अधिकारी क्षेत्र अधिकारी महोदय, केसीएम साहब, ये सब लोग मौजूद रहे और शहर के कुछ जिम्मेदार ऐसे लोगों को इसमें शामिल किया गया इस वार्ता में, ताकि किसी भी प्रकार के भ्रम की स्थिति न रहे, ऐसा न रहे कि किसी प्रकार का गलत मैसेज जाए। और उस मीटिंग के दौरान इस बात में इसको स्वीकार किया गया, उन जिनके द्वारा जो है वाद विवाद हो रहा था उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि उनको जानकारी नहीं थी कि ये कार्यक्रम परंपरागत नहीं है अथवा इसमें जो है अनुमति पहले पूर्व में नहीं प्राप्त हुई थी, ये चीज़ भी उनको बताई गई। तो उसके बाद में इस समस्या का समाधान कर लिया गया है, किसी प्रकार का कोई इसमें विवाद अब शेष नहीं है। वहीं जब इस बारे में भाजपा नेता कमल दत्त शर्मा से बात की गई तो उनका यह कहना था। हेलो, हाँ जी, कमल जी बोल रहे हैं? हाँ भाई साहब बोल रहा हूँ। हाँ रवि शर्मा बोल रहा हूँ भैया। हाँ नमस्ते भाई साहब, क्या हाल है? बस सब बढ़िया भैया। हाँ, ये जागरण का जो विवाद चल रहा था 2 तारीख को आप लोग कर रहे थे, वो क्या रहा उस मामले? ऐसा है, वो विवाद का निस्तारण हो गया है। उस विवाद का निस्तारण इस तरह से हुआ है कि एडीएम सिटी साहब, एसपी सिटी साहब और सब लोगों से वार्ता हुई थी जी। उसमें ये था कि भाई जागरण इसी समय पर ऐसा क्यों है कि क्यों करना चाहते जी। हमने हमारा ध्येय ये नहीं है कि हम विरोध के लिए विरोध करते थे, हम तो उसका रास्ता ही निकालने गए थे। जब ये माहौल बना हमारे एक बीजेपी के नेता की और उनकी जो होट टॉक हुई इंस्पेक्टर साहब की, तो फिर मुझे महानगर अध्यक्ष जी ने कहा कि आप इस मामले को देखो, कोई आपस में भिड़ंत भी ना हो। तो मैं भाई साहब रवि भाई साहब, मैं उसका रास्ता ही निकालने गया था और बातचीत हो गई थी और कागज मैंने उनके देख लिए थे, वो परंपरागत कागज नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सोचते थे कि नहीं इनका जागरण हो जा, थोड़ा इधर उधर करते हो जा। तो हम इंस्पेक्टर साहब से ये बात कर रहे थे, तो इंस्पेक्टर साहब ने थोड़ा सा जो बात करी उनका लहजा किसी को पसंद नहीं आएगा अगर कोई सुनेगा, उसके कारण वहां मौके पर होट टोक हो गई। लेकिन फिर भी कोई भी आयोजन जब हमारी सरकार ने कह कर रखा है कि कोई भी आयोजन हम बिना अनुमति के करेंगे नहीं और लाइन ऑर्डर की स्थिति हम बना कर रखेंगे, इसलिए तो हमारी सरकार आई है, तो हम उसको बिल्कुल नहीं बिगाड़ेंगे, हम अपनी सरकार के आदेश के अनुसार चलेंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जितना भी ये दिन, ये जो 4-5 दिन ये चला है माहौल, ये इंस्पेक्टर साहब की थोड़ी सी जो उन्होंने वहां पर बोली है, उनको ये बोलना चाहिए था भाई बिना अनुमति के नहीं होने देंगे, ठीक है। उन्होंने तो मुस्लिम शब्द यूज करा कि मुस्लिम रहते हैं इसलिए नहीं होने देंगे, भाई जहां पर हिंदू थोड़े रहते हैं उनको भी तो अपना त्यौहार मनाने का हक है, जहां पर मुस्लिम थोड़े रहते हैं उनको भी हक है। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस क्षेत्र में जो रहते हैं उनकी जिम्मेवारी है उसका आयोजन करवाने की, तो ये सब बातें हुई है। और इसके बाद फिर इसका ये इस समय पुलिस भी बहुत बिजी है, पुलिस प्रशासन भी, तो इसके बाद हम इस कार्यक्रम को इसके बाद करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए fastbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना व बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।